हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एनके प्रजापत। आज हम इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन अनसीन पोएम जो रिट लेवल 2 एंड 1 की लैंग्वेज सेकंड में जो टॉपिक है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन के साथ और इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में पूरा बने रहें। जो रिट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूव होने वाला है। और मैंने जो भी एग्जाम्पल्स जो लिए हैं वो सब एग्जाम्पल्स जो हैं मैं मोस्टली मैंने सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रिट में जो एग्ज़ाम्पल्स आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से मैंने ये पुटअप किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली को हिंदी में उपमा कहते हैं। सिमली का अर्थ लाइकनेस, जिसे समानता कहते हैं। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, वो भी डिफरेंट काइंड के होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेंबल्स, जिसमें कम से कम एक पॉइंट जो है उसमें प्रतीत होना चाहिए। कनेक्टिविटीज, कनेक्टिव्स जो यूजिंग होते हैं सिमली में आप सबको पता है, लाइक, एज, सो, एज इफ, एज दो, एज एस एटसेट्रा। और इसके बाद हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं फटाक से। इन यहाँ पर मैंने 8 एग्जांपल्स इस सिमली के लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ही रोड लाइक ए लॉयन, वो शेर के समान दहाड़ा, तो यहाँ पर लाइक आ रहा है। सेकेंड है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने के समान होता है। योर स्माइल इज एज अ डाउन ऑफ द स्प्रिंग डे, माने कि तुम्हारी स्माइल ऐसी है जैसे कि बसंत ऋतु के सूर्योदय के समान। ही इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, वो अपने आप पर इतना गर्वित है जैसे कि एक मोर होता है। हिज वर्क इज एज गुड एज गोल्ड, उसका कार्य सोने के समान अच्छा है। He looks as cheerful as rose, वो इतना प्रसन्नचित है जितना कोई rose। Life is like a dream, ये तो मैंने ऊपर करा दिया, वापस लिख दिया है। His words are sweet like honey, उसके शब्द इतने मीठे हैं मानो शहद के समान। He fought like a lion in the battlefield, वह युद्ध क्षेत्र में lion के समान fought लड़ा। तो सिमली का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें ये कनेक्टिव जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके बिना सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं पुटअप हो गए, तो आप आसानी से उसे वहाँ पर पहचान जाओगे। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर नहीं है, ये मेटाफर है, जिसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। कंपेरिजन ऑफ वन थिंग और ऑब्जेक्ट, एक किसी चीज का कंपेरिजन किया जाता है विथ अनदर, दूसरी के साथ, विदाउट द वर्ड्स लाइक, सच, एज, एजेज एटसेट्रा। यानी सिमली में जो हमने देखा था लाइक, एज, एजेज, एज इफ, वो वर्ड जो है मेटाफर में नहीं आएंगे, कनेक्टिव नहीं आएंगे, और फिर भी इसमें तुलना की जाएगी दूसरे के साथ। इन इट क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अनदर, इस फिगर ऑफ स्पीच में जो क्वालिटी है किसी एक ऑब्जेक्ट की वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर की जाती है, स्थानांतरित की जाती है, विदाउट द यूज ऑफ कंपेरिजन, तुलना वाले शब्दों को, कंपैरिजन वर्ड्स को यूज किए बिना। और सबसे शॉर्ट में अगर कहें, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर जो है वो एक किसी के ऊपर तुलना थोपी जाती है, ठीक है। तो ये इसके सबसे जो डेफिनेशंस में अच्छी हैं, और आप इनको, ये जो डेफिनेशन में यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए वो भी ध्यान रखें। ऑप्शन में फिगर ऑफ स्पीच के फीचर्स भी पूछ सकते हैं उनके लाइनों के अकॉर्डिंग। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पर लाइक, एज, एज ऐसे वर्ड यूज नहीं हुए हैं, फिर भी उसे कहा है कि ऊंट जो है डेजर्ट का शिप है, तो तुलना हो रही है कैमल की और शिप की, लेकिन विदाउट लाइक, एज, सच, एज ऐसे वर्ड के बिना। ही इज द स्टार ऑफ फैमिली, वो फैमिली का स्टार है। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। A lion is a king of forest, all the world is a state, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई लाइन है, ठीक है, उसके एक ड्रामा में, ट्रेजेडी में यहाँ पर वो लाइन है, वहाँ से ये ली गई है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। Infancy is the dawn of life, शिशुता यानी शेष्वावस्था जो है जीवन का सूर्योदय होता है।
द विश इज द फादर ऑफ फादर, यहाँ पर द थॉट, इच्छाएं जो होती हैं वो विचारों के जनक होती हैं। मिनिस्टर्स आर पिलर ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर ये मेटाफर के एग्जाम्पल्स हुए। नेक्स्ट हो गया आपके पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं जिसे, और है भी बहुत ही अच्छा, इसके क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। इट यानी ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ट्रीट्स, व्यवहार करता है एब्स्ट्रैक्शन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, भाववाचक और निर्जीव चीज़ों का साथ ऐसा व्यवहार करता है एज इफ दे वर ह्यूमन बींग, मानो कि वे मानव हैं। यानी ये जो पर्सोनिफिकेशन में ऐसे नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं मानो कि वे इंसान हो। ये अलंकार अमूर्त और निर्जीव वस्तुओं को इस प्रकार व्यक्त करता है जैसे कि मानव रूप में हो, और अर्थात किसी निर्जीव वस्तु मानवीय रूप देना, यानी किसी निर्जीव चीज को मानवीय रूप देना। एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती है। अब इंतजार इंसान कर सकते हैं, ह्यूमन बींग कर सकते हैं, तो टाइम एंड टाइड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड का पर्सोनिफाई को पर्सोनिफाई किया गया है। ये भी आप ध्यान रखें किसी एग्जाम्पल में किसको पर्सोनिफाई किया जाता है, उसे भी आप नोट करें। नेक्स्ट है द मून वील्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक लिया, तो चंद्रमा ने कैसे अपना चेहरा ढक लिया, तो यहाँ पर इसे पर्सोनिफाई किया गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, तो यहाँ पर लव को पर्सोनिफाई किया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग, मृत्यु ने राजा पर अपने निर्दयी हाथों को रखा, तो यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपके एग्जाम में, रिट के एग्जाम में और अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जरूर ये इसका क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, और इसके एग्जाम्पल और आ रहे हैं अभी पर्सोनिफिकेशन के, और वो है एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन्स, तो यहाँ पर एवरेस्ट को पर्सोनिफाई किया गया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका जो है दरवाजा एक बार खटखटाती है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर्सोनिफाई है। द किंग ऑफ डे यानी सन अपीयर्ड इन द ईस्ट, वो पूर्व से अपीयर होता है, प्रकट होता है, तो यहाँ पर किंग ऑफ डे जो एक सन है, सूर्य है, सूर्य को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। द फरियस ओशियन टॉस्ड द बोट वायलेंटली, एक क्रुद्धित महासागर ने नाव को बड़ी ही वायलेंटली हिंसात्मक तरीके से टॉस कर दिया, उल्टा कर दिया। अथॉरिटी फॉरगेट्स द डाइंग किंग, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अथॉरिटी को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड्स, यानी व्यंजन ध्वनियों का रिपीटेशन होना, पुनरावर्ती होना, या सिल्बल होता है किन्नी एक दो या तीन लेटर का जो वर्ड बनता है उसको सिल्बल कहते हैं, छोटी सी ध्वनियांश, सिल्बल। इन सक्सेसिव और क्लोजली एसोसिएट वर्ड्स, एक के बाद एक रिपीटेशन होता होना कंसोनेंट साउंड का, यह एक समान व्यंजन ध्वनि या शब्दांश, उत्तरोत्तर समीपता से जुड़े शब्द हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात व्यंजनों की पुनरावृत्ति, अगर शॉर्ट में कहें। एग्जाम्पल देखिए, द सन स्लैप अंडर द स्प्रे, तो यहाँ पर देखो स्नेक का एस, स्लैप का एस और स्प्रे का एस, तो यहाँ पर इस तरह से जो कॉन्सोनेंट साउंड या सिल्बल की जो रिपीटेशन होता है वहाँ पर एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अ स्वीट सेड स्माइल स्प्रीड अक्रॉस हर फेस, तो यहाँ पर चार जगह यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, तो ये एलिटेशन। द बॉय हैड हैवी हैड, उस लड़के का जो सिर था वो कैसा था, भारी, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन एच। फेयर इज फॉल और फॉल इज फेयर, ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। वेव्स ऑफ सोवर वेंट ओवर द वीट, एलिट्रेशन। प्राउड एंड प्राउड प्रूड, लास्ट में लिखा हुआ है पिकॉक, ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को पहचान लोगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को और पूरा वीडियो देख रहे हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो रिट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, और नेक्स्ट वीडियो में और मैं ऐसे ही फास्टेस्ट सबसे तेज़ वीडियो रिविजन का लेकर आऊँगा जिसमें खूब सारे एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच एनोसेंस,
सॉरी एसोनेंस, एसोनेंस जो होता है इन इट, इसमें वोवेल साउंड्स आर रिपीटेड। एलिट्रेशन ध्यान रखना, ऊपर जो पढ़ा था एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है, लेकिन एसोनेंस में, एसोनेंस में किसका? वोवेल साउंड्स का रिपीटेशन होता है। किसका होता है? वोवेल साउंड्स, वोवेल साउंड यानी स्वरों का, स्वरों का रिपीटेशन होता है। जैसे अ वोवेल साउंड इज रिपीटेड इन क्लोज सक्सेशन एंड कॉल्ड एसोनेंस, यानी उत्तरोत्तर वोवेल साउंड का रिपीटेशन होना उसको एसोनेंस कहते हैं। माई डियर कम्स नियर, तो देखो डियर में ई ए, डियर और नियर का ई ए, तो डियर नियर, और यहाँ पर फियर, तो ऐसे एसोनेंस के उदाहरण है ये। ओके नेक्स्ट है वन टाइम ही सेव नाइन, तो टाइम का टाई नाई, तो यहाँ पर आई का जो प्रोनंसिएशन होता है रिपीट हो रहा है साउंड वोवल का। आई हैड सीन टीन, तो सीन का ई, ठीक है ये फोनेटिक, इसका फोनेटिक के एग्जांपल लेकर आऊंगा मैं, बहुत ही अच्छे, और मेरा एक वीडियो डाला हुआ है फोनेटिक सिंबल, आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर रिट ग्रामर में जाकर आप फोनेटिक का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर भी एसोनेंस का उदाहरण है बॉय, ठीक है यहाँ पर दो तीन है, बॉय प्लेइंग में आई विथ, प्लेइंग विद आई ई का रहा है बॉय और टॉय, तो यहाँ पर ये एसोनेंस है। प्लीज फिल दिस रिफिल, तो फिल ई दिस ई और रिफिल ई, यहाँ पर इस तरह से एसोनेंस का एग्जाम्पल बन रहा है ये। और लास्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच में दिया हुआ है राइम, हालांकि ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है लेकिन इस पार्ट में दिया हुआ, तो इसको भी मैं साथ में ले रहा हूँ और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी दे रहा हूँ। राइम इज ए रिपीटेशन ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट, राइम जो कविता होती है वो सेम एक जैसे स्वर और व्यंजनों का रिपीटेशन होता है। एट द एंड ऑफ लाइन्स ऑफ पोइट्री, कविता की जो लाइन सबसे लाइन में जो अंत होता है उसमें रिपीटेशन होता है सेम अरेंजमेंट का वोवल का, जैसे लाइट सबसे लास्ट में लाइट आ गया, फिर दूसरी लाइन में फाइट आ गया, ठीक है। राइम इज बेस्ड ऑन प्रोनंसिएशन, गुड पॉइंट है, आप ध्यान रखें, वहां पर सवाल पुटअप हो सकता है कैसे कि कौन सा इसमें से राइम के बारे में सही नहीं है, तो ये जो पॉइंट चारों आप रट लें, ठीक है। राइम इज बेस्ड ऑन प्रोनंसिएशन, कविताएं जो होती है, राइम जो होती है वो प्रोनंसिएशन पर बेस्ड होती है, नॉट ऑन स्पेलिंग, स्पेलिंग पर नहीं होती है। पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ राइम स्कीम आर इंडिकेटेड बाई यूजिंग द अल्फाबेट, और जो पैटर्न होता है राइम स्कीम का उसका इंडिकेट हम अल्फाबेट से करते हैं लगाकर, ए राइम स्कीम कहते हैं जिसे हम, ठीक है राइम स्कीम पीछे ए बी सी डी ई यूज करके जितने डिफरेंट लाइन आएगी उतना वहाँ पर ए बी और जो भी रिपीट हो जाएगी लाइन वहाँ पर वापस ए या बी जैसा जिससे मिलता है वो लगा देंगे। ओके द सिमिलरिटी ऑफ साउंड्स ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ड्स, यानी जो भी पद्य भाग हैं उसमें जो लास्ट वर्ड का जो साउंड है उसमें सिमिलरिटी होती है इज कॉल्ड राइम, उसी को राइम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो ये डेफिनेशन आई है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप इसका ध्यान दें, क्या था किसी भी पद्य भाग में जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं उनमें साउंड का समानता पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है, उसे राइम कहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, और ये आज हमने फिगर ऑफ स्पीच जो पूरे कंप्लीट आपके रिट में लेवल टू की लैंग्वेज, लेवल टू और लेवल वन दोनों में, लैंग्वेज टू में दिए गए हैं वो हमने छो यहाँ पर जल्दी से रिपीट कर लिए हैं, तो आपको जल्दी से इनको रिवीजन करें, नोट करें अगर आपके पास ऐसी मटेरियल नहीं है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।